नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। यूक्रेन में फंसे प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। सतीश पूनिया ने कहा कि यूक्रेन में फंसे राजस्थानी छात्रों से संवाद कर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से भारतीयों की वापसी के लिए काम किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत विद्यार्थियों का यूक्रेन से आना शुरू हो गया। राजधानी जयपुर कलेक्टर राजन विशाल ने जिला कलेक्टर सभागार में जिला प्रभारी अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न योजना और कार्यक्रम की समीक्षा की। साथ ही राजन विशाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए माइक्रो एक्शन प्लान तैयार कर और स्पेशल टास्क फोर्स की रणनीति के अनुसार कार्य करें ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग सके। बैठक में जिले के सभी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट और जिले के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया। राजधानी जयपुर की नॉर्थ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने नकबजनी की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश मोहम्मद आसिफ, हरुण उर्फ पोंडा और जावेद हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से सोने और चांदी की ज्वेलरी के साथ ही मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में इन बदमाशों ने करीब आधा दर्जन चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना कबूला है। पुलिस की माने तो ये तीनों आरोपी नशा करने के आदी हैं। नशे के लिए बदमाश शहर में ऐसे सूने मकानों को चिन्हित करते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं हो, फिर मौका पाकर मकान से नकदी, ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भट्टाबस्ती थाने ने रिसेंटली जो कार्रवाई की उसके संबंध में, भट्टाबस्ती इलाके में पिछले कई दिनों से कब्जे की वारदातें जारी हो रही थी, जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया और उस टीम ने अपनी मेहनत से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 अभियुक्तों ने प्रारंभिक अनुसंधान में 5 नकबजनी की वारदातें अलग अलग जगहों पर करना स्वीकार किया है। राजसमंद नगर परिषद की बजट बैठक में हुए हंगामे का मामला तुल पकड़ने लगा है। इस कड़ी में राजसमंद जिला भाजपा की ओर से विधायक दीप्ति माहेश्वरी की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और हंगामे में शामिल 2 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की बात की गई। साथ ही बैठक में हंगामा कर रहे पार्षदों पर भी अंकुश लगाने की मांग की गई। आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, इसी आशा से कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट वो डिसीजन लेंगे इस बारे में कि कैसे वो रेणु शर्मा जी और पालेवाल जी जो पीटीआई साहब हैं उन्होंने इस मीटिंग में आकर और जिस तरीके की बदतमीजी हमारे पार्षदगणों के साथ करी है उनके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसी होप से यही आशा करते हैं कि कलेक्टर साहब एक इस पर निष्पक्ष जाँच कराएंगे। कल जो बैठक में हुआ वो राजसमंद के पूरे इतिहास को अगर उठाकर देखें तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है। अजमेर पुलिस थाना विजयनगर परिसर में थानाधिकारी दिनेश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएल सदस्य, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक सदस्य मौजूद रहे। बैठक में थाना प्रभारी चौधरी ने कहा कि पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक और सीएलजी सदस्य पुलिस का परिचय करवाया गया। वे ग्राम रक्षकों की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें एक दूसरे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के आदेश अनुसार एक दूसरे सदस्यों का परिचय करवाया गया, वर्तमान में किस प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की उनको हिदायत की गई, वे समझाइश की गई कि भाई आप जाके अपने एरिया में जो भी मिलने वाले हैं, परिजन हैं या गांव में इस प्रकार के वर्तमान में किस प्रकार के ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करें और कानून के संबंध में और महिला एवं बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में वे कानून के बारे में जानकारी दी गई। बूंदी में बालाजी गो सेवा समिति, देवरी धाम और भगवा फोर्स की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान भगवा फोर्स प्रदेश विस्तारक बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि बूंदी जिले में कई संस्थाएं हैं जो कि गो सेवा के नाम से कार्य कर रही हैं, जिसमें कई संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और गौशालाओं का बखूबी संचालन कर रही हैं।
उन संस्थाओं की ओर से गोवंश की दुर्दशा को लेकर समय समय पर सरकार से भूमि आवंटन की मांग करते रहते हैं। आज ये जो नकली भू माफिया और नकली गौसेवा गौसेवा जो चला रहे हैं, गौसेवा दल बना रखा है लोगों ने, जो क्या है अवैध जगह पे जाकर कब्जा कर लेते हैं, फिर उसी जगह पे जाकर उसी जगह को बेच देते हैं। ना तो ये गौ की सेवा कर रहे हैं, गौ रोड पे घूम रही है, और जो भी ये जो गौसेवा दल जो बना रखा है लोगों ने, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि जो फर्जी गौसेवा दल बना रखा है इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और इन पर कार्रवाई करें, और जो गौसेवा कर रहे हैं उनको ये जगह दी जाए। उससे मैं ज्ञापन दिया है कि कई दिनों से कुछ लोग फर्जी गौभक्त जो धरना देकर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। ये लोग कहीं सरकारी ज़मीनों पर, कहीं गरीब जातियों की छात्रावासों पर कब्जा, अवैध रूप से कब्जा करते हैं, फिर उनकी ज़मीनों को ये बेच देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है, अपने फोर लाइन के पास में एक सरकारी ज़मीन थी, वहाँ से 40 लाख रुपए में इन्होंने वो ज़मीन बेच दी। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग के विजय स्तंभ की गोद में जोहर स्थली के पास और गोमुख कुंड के ऊपर प्राचीन समिधेश्वर महादेव मंदिर में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का समावेश है, जो कि पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि गोमुख कुंड के ऊपर प्राचीन समिधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज ने करवाया था। ये मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। इस मंदिर की नींव कमल के फूल के ऊपर रखी गई है। ये विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान शिव तीनों रूप में विराजमान है। इसमें भगवान शिव को तीनों रूप में दर्शाया गया है, पहला है ब्रह्मा के रूप में, बीच में विष्णु स्वरूप है, और इधर भगवान शिव हलाहल विष पी रहे हैं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करा गया। शिवरात्रि को यहाँ पर पूरी रात महारुद्राभिषेक होता है, चार प्रहर में चारों रूप। धराधाम के लिए ये हमारे विश्व प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ पर समिधेश्वर महादेव स्थित है, जो 11वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता अद्भुत कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के सृजनकर्ता कमल लेकर सृजन की मुद्रा में विद्यमान है, तो मध्य में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में शंख लेकर विद्यमान है, तो तीसरी मूर्ति में प्रलयंकारी शिव संहारकर्ता के रूप में विद्यमान है। ऐसी अद्भुत मूर्ति विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती। और सबसे बड़ी मूल बात यह है कि विशाल नंदी के कान में अगर आप कुछ भी कहो अपनी मनोकामना, तो शिवजी तक पहुंचती है और पूर्ण होती है। हनुमानगढ़ के नोहर में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। आपको बता दें, विभिन्न सड़कों का निर्माण होने से जहां एक और कस्बे के सौंदर्यकरण का बढ़ावा मिल रहा है, वहीं आमजन को आवागमन में भी सुविधा बढ़ रही है। बता दें कि विधायक अमित चाचण और पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया की ओर से 94 लाख रुपए की लागत बनने वाली दोनों सड़कों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा कल्याण में 23 लाख की लागत से नवनिर्मित इंटरलॉक चौक का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। दो सड़कों का शिलान्यास किया गया है, एक तो बिजबराना रोड से कड़ी भट्टे की तरफ 78 लाख रुपए की लागत से, एक अग्रवाल धर्मशाला के सामने एडीजे कोर्ट के, तो उसमें 70 लाख रुपए की लागत से दो सड़कों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा स्थानीय शमशान भूमि में 23 लाख रुपए के द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का वहाँ लोकार्पण किया गया। तो चलिए, फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।